हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करते हैं अभी आप सब ठीक होंगे। रसोई में लाग रही हूँ अभी काम। बच्चे चले गए स्कूल पेपर देने, एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं अभी उनके, और मैं बना रही हूँ खाना। बच्चे खाना लेके नहीं गए भाई, क्योंकि जल्दी आ जाएंगे पेपर होने के बाद। तो आज बना रही हूँ करेले की सब्जी। ये देखो मसाला तैयार कर रखा है मैंने। मैं बिल्कुल बारीक पीस लिया कुछ आधा, तो और आधा कटा हुआ है। दो तरिया का करके बनाऊंगी। और करेले रहे हैं भून, ये देखो इधर, ये चल रही है गैस। करेले साथ साथ भून रहे हैं, यहीं खड़ी हूँ मैं। एक गैस पे रख रखा है दूध गर्म करना, और रैक शाम को ले आए थे भाई। दो रैक लेकर आए, काउंटर लेकर आए हैं, उनको पेंट वेंट करना है। और करेंगे भाई खाना वाना बना के, फिर दोनों जने लग कर लेंगे, क्योंकि फिर अंदर रखने के बाद सामान वामान फिर होगा नहीं, पेंट वगैरह। तो मैं कह ले चल भाई पहले कर लेंगे, और फिर पर्स भी गंदा हो जाता है अंदर, तो इसीलिए मैं कहा चल बारी कर लेते हैं। बारी रख रखे हैं दोनों। काउंटर का तो होया हुआ है भाई पेंट, रैक का पेंट नहीं हो रहा है। उनका थोड़ा सा कर देंगे, थोड़े से साफ सुथरे हो जाएंगे, क्योंकि सामान रखने के बाद ना भाई फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी। एक बार सेट हो जाता ना वो, हटा के करना तो बहुत ही मुश्किल है बस। इसीलिए मैं जो काम करना है ना पहले ही कर लो। और कनक के पापा जा रहे हैं मिस्त्री के पास, एक बार बुला के लाएंगे भाई। उस काउंटर को शीशा नहीं लग रहा था, मतलब विदाउट शीशा था वो, नया रैक है। मैं दिखाऊंगी आपको, नीचे जाऊंगी अब अभी खाना बनाने के बाद। तो वो भैया कह रहे थे कि हम लगा देंगे, लेकिन अगर रास्ते में जाते हुए टूट गया तो वो जिम्मेवारी आपकी होगी। फिर हमने सोचा भी हमारे यहाँ भी है मिस्त्री, तो हम का घर पे लगवा लेंगे, छोड़ो आप। जैसे चाहते थे भाई वैसे रैक मिल गए हैं, दो तीन दुकानों पे घूमने के बाद मिल गए, और सही है। साथ के साथ दो ही लिया है, पहले सोच रहे थे एक ही लेने के लिए। मेरे पास एक मेरी दुकान में लगने के बाद भी एक एक्स्ट्रा था, तो फिर दो ही सोच रही थी वैसे तो मैं, लेकिन ठीक है तीन, मतलब दो ही लगाएंगे दुकान में। तो मैं एक रखा है, एक और ले आएंगे, लेकिन चलो वो मतलब ठीक ठाक लगे, सही थे, इसीलिए हम मतलब दो ले आए। करेले भून गए हैं भाई, प्याज भून रही हूँ, साथ के साथ काम भी कर रही हूँ और बात भी कर रही हूँ। क्योंकि काम अभी दुकान भी खोलनी है मेरे को, मतलब फटाफट ये काम करके और फिर रोटी वोटी बना कर नहा धो के जब खोलूँगी दुकान, इसके इतने इसके पापा भी आ जाएंगे, फिर थोड़ी बहुत देर वो बैठ जाते भी मेरा काम रह जाता है। तो नीचे के नीचे वो मिस्त्रियों के पास भी बैठे रहेंगे, दुकान भी खोल लेंगे। कनाकता में काम थोड़ा सा बस इस कराए है, ज़्यादा इतना है नहीं कुछ। मम्मी कर रही है भाई पेंट। ये देखो रैक 15 खाने का रैक है, देखो ये करने लग रही। तुझे वीडियो बनाना लग रहा है? हाँ से ज्यादा कल रैक लाए थे ना, वो जो कल रैक लाए थे ना वे हैं। ये तू करेगा और दूसरी बुरी है
भीतर रह रही है तसले में प्रिंस वीडियो बना रहे तू प्रिंस आया भी ट्यूशन पे से 10 मिनट में पेंट कर देगा प्रिंस ना प्रिंस कर देगा 10 मिनट में आप नाम भूल जाओ चाहे आप नाम भूल गई भाई क्या करना 10 मिनट ये हमारे सामने ऊपर का कर दिए तू मना 10 मिनट दिया ठीक है इसने उल्टा कर दियो फिर मैं कर दूंगा देखो ये हमारे सामने खुल गया ब्यूटी पार्लर कनक प्लेट साइड देखो तैयार हो चुका है थोड़ा पास कर देता हूँ देखो ये रैक ये प्रिंस देखो मेरे पीछे आके बोल रहा है बार बार सुबह का टाइम हो गया अभी और सुबह बारिश हो गया और रुक गई है बहुत बढ़िया धूप भी निकल आई है सामने बिल्कुल और सुबह जब उठे ना तो बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा था बहुत अच्छा देखो दिखाती हूँ आपको ये देखो सूरज निकला है और देखो आपको चौक में बिल्कुल गीला गीला दिखाई दे रहा होगा अच्छी तेज बारिश हुई है अभी पहले मारा चिनाई लाग रही थी भी हरीफ का घर का लाग रही है ये चौक से ही काम आ रहा है सब यहाँ पर अपना सामान डाल ले हैं इनका क्रेशर आया होगा और मैं आई हूँ भाई यहाँ पे धनिया काट के पुदीना काटने के लिए देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ये रहा ये एक बार ना मैंने पेड़ वाले से लेके लगाया था तब से ये अपने आप ही हो जाता है इससे मैं कटिंग कर लूँ कदे कदे बना ले हैं अपने इससे मैं हो जाए अपने आप इसमें ये बेल का पेड़ भी लगा रखा है फूल वाला इसमें फूल आते हैं बेल है ये ऑरेंज से कलर की नाम तो मेरे को पता नहीं हुई क्या नाम है इसमें हो रहा है पुदीना मैंने सोची लिया पुदीने की चटनी बना लूँ मैं कैची ले कर आई भी देखो ऐसे हाथ तो टूटना मुश्किल है इसलिए कैची तो काटूँगी इसमें सारे में ये रेखा भाई देख लो और यह मेज सेट करवाई है ये गणपति आया था जब केला करी है ये इतनी हटाई नहीं हमने इस मेज में ये डंडे फिट करवा दिए स्टील वाले पंडाल लगाने थी माता रानी लेकर आऊँगे ना इसलिए और ये काउंटर है दुकान के लिए शीशे वाला बनवाया अब की बार ऊपर शीशा पहले जो पुराना उसमें ऊपर पलाई है शीशा नहीं है और जो ये फाइबर से की प्लेट है ना ये इस चीज़ की है ये वाली लगाई है दुकान में जो दुकान नई तैयार करवा रही हूँ ना उसमें लगाई है सारा सामान देखो ऐसे रखा है और देखो ऐसे दीवार हो रही है बिल्कुल ख़राब सील है इतनी ज़्यादा है आपको दिखाई भी दे रही होगी देखो गिल्ली गिल्ली और जितनी ख़राब थी ना वो सारी पापड़ी सी मैंने हटा दी है तो यहाँ जो रैक लग रहा था ना ये मेरी पुरानी दुकान है कपड़े वाली यहाँ जो रैक लग रहा था वो मैंने हटा दिया वो मैंने परली दुकान में भेज दिया भाई क्योंकि छोटा मोटा सामान अब मैं दूसरी वाली जो दुकान तैयार हो रही है ना उसमें चला जाएगा इसमें रखेंगे भाई बड़ा रैक जिसमें कपड़े सूट वगैरह सीधे के सीधे आ जाए उसमें नहीं आते थे भाई वो गहराई में कम था
देखो रिपेयरिंग भी करवाई थी लेकिन सील इतनी ज़्यादा है, कद से ज़्यादा। पेंट करवाया, पेंट भी नहीं रुक रहा। देखो आपको दिखाती हूँ, यहाँ करवाया था पेंट अंदर, मतलब सारे में करवा दिया, सिर्फ दुकान दुकान बाकी छोड़ दी थी। ये दुकान में भी देखो सील आ गई, फिर उतर गया सारा पेंट। तो इस सील का और कोई समाधान नहीं लगे अभी मेरे को। कईयों ने यह सलाह दी है कि जो ये है ना शीट सी, ये लगवा लो और इससे थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो मैं इस पूरी दीवार पे लगवाऊंगी आज, लेने जा रहे हैं अभी, पूरी दीवार पे लगवाऊँ के। और जब यहाँ पे रैक लगाऊंगी, क्योंकि कल रैक हटाया ना यहाँ से, जो उधर रखा है दूसरी दुकान में, पीछे से बिल्कुल ख़राब हो रहा है अभी, उसकी पलाई बिल्कुल गली गली सी हो रही है। क्योंकि वो आगे रखा था तो पता तो चल ही नहीं रहा था भाई पीछे कितनी सील है क्या है। नीचे थोड़ा बहुत रेत आता था, उसको झाड़ू से रोज साफ हो जाता था वो। तो सलाह थी भाई यहाँ पे जो रैक मंगवा रखे हैं हमने दो, तो वो लगाने की सलाह थी कल ही, लेकिन कल जब वो हटा है ना रैक, तो यहाँ पे बस गड़बड़ काम पाया, नए नए खर्चे लेकर रहे हैं भाई। तो मैंने सोचा चलो इस दीवार को कंप्लीट करते हैं, ये वाली दीवार और ये जो शटर के ऊपर आपको दिखाई दे रही ना, ये सामने सामने जहाँ रैक नहीं लग रही, ये दीवार बिल्कुल कंप्लीट करवा देंगे। आज ले कर आऊँगे प्लाई, दुकान मैंने खोली नहीं है, सामान अस्त व्यस्त पड़ा भाई देखो सारा, क्योंकि इस रैक का हटा हटा के कुछ कट्टों में डाल दिया छोटा मोटा, और कुछ ऐसे ही पड़े हैं सारा सामान। और अंदर रैक लग रहा था स्टोर रूम में, वो भी निकाल के परली दुकान में भेज दिया। उस रैक के कपड़े देखो सामने आगे पीछे करके सेट कर रखे हैं, अभी कई दिन लग जाएंगे भाई, पर मेरे ख्याल में 2 महीने तो हो गए ये अंदर तक सामान लग रहा है। ये हमारी चक्की रखी है यहीं पे, बस सेटिंग होने में काफ़ी दिन लग जाएंगे भाई। ये मिस्त्री आओगा, वो नापेगा, फिर ले कर आओगे उसके, तो शायद मिस्त्री भी हमारे साथ ही जाएगा। ले आए भाई पट्टी वगैरह, वो लेने गए थे पीवीसी की, और वहाँ पे सूट कुछ नहीं कर पाई भाई। और मैं अपनी दवाई लेने गई थी, दवाई भी ले आई, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ आ रही थी भाई ज़बरदस्त, कहीं पे भी वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना पाई। बस दो ही जगह गई थी वैसे तो, डॉक्टर के गई थी मैं, और वो पीवीसी लेके और फिर सीधे घर आ गए थे, क्योंकि बच्चे भाई स्कूल और ट्यूशन ना भाई भूल जाती हूँ कहते कहते, बच्चे जा रहे थे एग्ज़ाम देने, तो उनका भी थोड़ी जल्दबाजी थी आने की। तो मैं कहले भाई टाइम से पहुँच जाएंगे, फिर ट्यूशन वगैरह जाना होता है बच्चों को, इनको भी ड्यूटी वगैरह जाना था, तो हम और कहीं नहीं गए, बस जो अपने काम से गए थे वो लेके और आ गए। अभी मैं नीचे जाऊंगी ना, और वो मिस्त्री आ जाएगा तब लगाएगा, तब दिखाऊंगी भाई क्या कलर डिज़ाइन लेके आए हैं। दोनों दुकानों का अलग अलग लेके आए हैं अभी, वो जो दूसरी दुकान में लगाया है ना, लगा दी उसमें प्लाई पीवीसी, उसमें तो देखो ये वाला जो टैल में है ना, ये कॉफ़ी सा कलर, ये वाला ये कॉफ़ी कलर लगाया है, लेनी है बिल्कुल ऐसा ही कॉफ़ी कलर है लाइट सा, और एक सिंगल कलर ही लगाया उसमें। और इधर लेके आए वही डबल शेड की थोड़ी सी, इधर थोड़े ऐसे और लाइट कलर की है, तो यहाँ दो तरह की कॉम्बिनेशन करके थोड़ा डिज़ाइन सा करके लगाएंगे वो। और अभी भी बारिश रुक नहीं रही, अभी मैं जब से आई हूँ ना, जब से बारिश ही चल रही है, और वहाँ पे भी रास्ते में भी सारे रास्ते बारिश ही थी, बारिश अभी रुकी नहीं है। और कनक आ गया ट्यूशन पढ़ के, दक्ष अभी आया नहीं, अभी दक्ष थोड़ा सा लेट भी गया था, उसके बाद जाता है कनक के। आने के बाद एक पैंट भी सिल दी मैंने, क्योंकि मेरे को सूट देने हैं भाई, कई दिन से ऐसे हो रहा है, बस काम थोड़ा कम हो ही पाता है, यूँ ही बीच बीच में टाइम निकाल निकाल के करना पड़ रहा है अभी। तो मकाज मिस्त्री ना रहे कोई भी, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, और वो मिस्त्री एक तो हमारे साथ ही जा रहा था भाई, तो वो ही लगाएगा, तो वो भी अभी घर पे जा रहा है, जब से शायद बारिश रुक जाएंगी तो आएंगे भाई वो करने के लिए, गांव के हैं भाई और अच्छे हैं मिस्त्री, उनका मन करेगा जब आके कर देंगे भाई, कोई इसी दिक्कत वाली बात ना है, घर जैसा काम है भाई, तो करन लागेंगे जब तक, तो एक का दिन का काम है, एक दिन में सारा कर जाएंगे फटाफट।
चक्कर ना काटने पड़ते मिस्त्रिया के, और जो शीशे की फिटिंग होनी है उनके भी, उनका सुबह आया था मिस्त्री वहाँ पे रखी हुई था। चाय पत्ती खत्म हो रही होगी, चाय बना रही है और नानी के लिए कनक, तो मेरे से पूछ रही है डिब्बा ला के खाली होगी। मैं पहले ले आई थी, कई दिन हो गए, उस दिन मैं गई थी ना तब ले आई थी भाई, चाय पत्ती का ध्यान कर लिया था। अब इसकी नानी आने के बाद भाई इस टाइम बनती है, नहीं तो सुबह सुबह बनती है बस, और सुबह भी कई बार तो गर्मियों में बनाते ही नहीं हम। बड़े आदमी को भी आदत होती है चाय वगैरह के बिना नहीं होता, तो इसीलिए दो टाइम उनकी तो बनानी ही पड़ती है भैया, कोई आया गया है तो उसके लिए भी बनानी पड़ती है। जैसे अब कई दिन से मिस्त्री वगैरह लग रहे हैं, कभी किसी चीज़ के कभी किसी चीज़ के, पहले जैसे इनकी वो हुई थी पता नहीं आँख में क्या चला गया, रिपेयरिंग वगैरह हुई थी, फिर पेंट वगैरह करवाया ऐसे भाई, फिर फर्नीचर वाला आ गया था वो करवाया, कई दिन से बस ऐसे ही चल रही है मिस्त्री। मेरे ख्याल में लगभग 2 महीने हो गए होंगे भाई काम चलते हुए हमारे घर में, एक मिस्त्री जा रहा है और एक आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है। उससे पहले बिजली का लग रहा था सबसे पहले, फिर रिपेयरिंग हुई, फिर पेंट होया, और फिर लकड़ी वाला आया, और अब दुकान का चल रहा है अभी, अब दोनों दुकानों का लग रही हूँ करने। एक दुकान मेरे पास ऑलरेडी आपको दिखाए रखे पहले से ही है, दूसरी में एक और स्टार्ट कर रही हूँ बस, देखते हैं। अभी ये नहीं बता सकती भी किस चीज़ की स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी इस बारे में इतना सोचा नहीं है, अभी तो यूँ है कि उसको भाई कंप्लीट वैसे कर देते हैं सामान, देखते हैं किस चीज़ का क्या करेंगे अभी नहीं बता सकती, देखते हैं क्या करते हैं। टीवी चल रहा है भाई, पता ना आज मन वैसा ऐसा हो गया, और मैं एक पैंट सिल के आया, मैं कहा चल थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ क्योंकि कमर में भी दर्द होने लग गया, और हमारी मौसी का था आज कीर्तन, मेरी सास है जो मैंने बताया भी होगा पहली वीडियो में, उन्हीं की बहन है सगी, यहीं पे दूसरे परिवार में शादी हो रही है, उनने कीर्तन करवा रखा था भाई परसों कह कर गई थी, और आज बारिश का मौसम इतना हो रहा था कुछ मेरे को जाना पड़ गया, क्योंकि वो जा रहे थे, मैंने सोचा भाई दो दो चक्कर लगेंगे मेरा, मेरे को फिर अलग लेके जाएंगे, तो माँ साथ के साथ में ले आती हूँ, वैसे तो रह रही थी मेरी दवाई 2-3 दिन की अभी, और तो मैंने सोचा ले आऊँगी, मेरा भी काम निपटेगा, तो इसीलिए एक और जगह से स्टार्ट करी अभी दवाई लेनी मैंने, जहाँ से मैं ले रही थी आयुर्वेदिक दवाई वहाँ से कम आराम लग गया मेरे को, और एक स्टोर है मेडिकल स्टोर ही लगा लो, उनका हॉस्पिटल भी है, वो कह रहे थे डॉक्टर बैठते हैं जा, लेकिन मेरे को तो स्टोर वाले भैया से मतलब उनकी दवाई से आराम लग गया, उन्होंने कुछ बोला था मेरे को ये दवाई वैसे खाते रहो आप लेकिन आराम कम ही आएगा इनसे, जे सारी ज़िंदगी खा ले रहा। मैं लेने गई ना उनके पास जैसे दवाई तभी बोल दिया था उन्होंने, लेकिन मैंने सोचा चलो भाई देख लेते हैं लेके डॉक्टर को, अभी मैं दिखा के आई हूँ भाई उन्होंने लिखी है तो मैंने 2-3 डिब्बी पूरी पूरी वो खा ली, फिर मेरे को आराम नहीं लगा, फिर मैं जैसे बीच में दवाई लेने जाती ना तो मैं उनको बोल लिया, मगर जी मेरे को आराम नहीं लगा, और आप भी कह रहे थे कि मैं भी वही काम भी कर देते हैं, हमारे पास भी डॉक्टर हैं इन चीज़ों के, तो मैं भाई आप बता दो कुछ अगर आपको पता हो तो बोले जी आपको कहाँ दर्द है, मैंने फिर उनको बताया ऐसे ऐसे है मेरे को, तो वो बोले कि आपको इन्फेक्शन है ये दर्द नहीं है, मुका अच्छा, तो फिर उन्होंने भी कोई अपनी दवाई दी थी जो वहीं पे जाके लेनी पड़ती थी भाई, घर के लिए नहीं देते थे वो अपने आगे ही देते थे वहीं पे, तो कई चक्कर लगे भाई उससे मेरे को काफ़ी आराम मिला उनकी दवाई से, तो अभी मैंने ना पैरों की दवाई मतलब वहीं से स्टार्ट करी है। वो कह रहे थे कि आप मतलब जैसे कोर्स उनका करके देख लो पूरा डॉक्टर का जहाँ से आप लिख गए हो, और अगर हमारे देखो हिसाब से तो लगेगा नहीं आराम, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है अभी लग जाए तो देख लो आप कहाँ के, अगर नहीं लगे तो मेरे पास आ जाना, उन्होंने ऐसे बोल दिया था भाई मेरे को पहले, तो मैं इसीलिए फिर आज वहीं गई थी, तो उन्होंने ही भाई अंकल ने उन्होंने दवाई दी अपनी तरफ से 15 दिन की, अभी वो खाते हैं भाई, परहेज भी कई चीज़ जाके दे दिए जैसे लस्सी
बिना या दही बिना तो मतलब काम चलता ना मेरा। लेकिन भाई करेंगे परहेज, कहना कनक के पापा के कि भाई करने चाहिए परहेज। परहेज करूँगी जब मैं देखा जाएगा भाई कि दवाई का आराम होता है नहीं, कि थोड़ी देर आराम करके और जब फिर दूसरी पैंट सिलर लगूँगी। लाइट चली गई है मैं इसलिए थोड़ी देर आपको दिखाई दे रहा हूँ, मेरे पीछा दे रहा सा हो गया क्योंकि एक बल्ब इन्वर्टर में नहीं था तो लाइट बंद होगी, एक इन्वर्टर में है। तो भाई वीडियो जिस जिसको अच्छी लगती है भाई लाइक कर दिया करो, चैनल को जो नए आते सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो और कमेंट्स करना भी मत भूलिया करो भाई, कमेंट्स भी कर दिया करो। अगर नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी भाई नीचे का, हमारे मिस्त्री आएंगे वो लगाएंगे प्लाई, कैसी लगी आपको दुकान दोनों की दिखाऊंगी मैं, फिर बताना भाई।